हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मॉम एंड मिकी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यात्रा के दौरान बच्चों को किस तरह का खाना हमें देना चाहिए, यानी कि ट्रैवल फ्रेंडली फूड्स फॉर बेबीज। अब बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में, यानी 0 to 6 मंथ स्टेज के बारे में। ऐसे बच्चे ब्रेस्ट फीड पे रिलाई करते हैं, या यदि आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो अपने साथ में थर्मल बॉटल जरूर कैरी करिए, और जो आप बॉटल में आप फीड दे रही हैं 2 से 3 बॉटल कैरी करिए, क्योंकि अगर रास्ते में बॉटल वॉश करने की सुविधा ना हो तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। और थर्मल बॉटल में जो आप पानी कैरी कर रही हैं उसे अच्छे तरीके से बॉईल करके यूज करिए, ये आपको रोड ट्रिप के दौरान 2 दिनों तक भी काम आएगा। अब बात करते हैं 6 से 12 महीने के बच्चों की। इस स्टेज पे बच्चे टेक्सचर फूड लेना शुरू कर देते हैं। बच्चों को सेब की प्यूरी, चीकू की प्यूरी, पेयर की प्यूरी, पालक की प्यूरी, ये भी काफी एंजॉय करके खाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं दिन में 3 मील पूरी ले रहे होते हैं, तो सबसे पहला ट्रैवल फ्रेंडली ऑप्शन है सेरेलैक। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आप सेरेलैक दे सकते हैं, ये बहुत ही सेफ है और रास्ते में स्टमक अपसेट होने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बस आपको अपने साथ गर्म पानी कैरी करना है। और सेकेंड ऑप्शन जो हम यूज करते हैं वो है ओट्स, ये इजीली डाइजेस्ट है, इससे स्टमक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या करना है, गर्म खोलते हुए पानी में आपको थोड़ा सा ओट्स डाल के रख देना है थोड़ी देर के लिए। अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स मिला सकते हैं आप, बस थोड़ी देर में ये हेल्दी फूड बन के तैयार हो जाएगा। सबसे बेस्ट स्नैक्स रहते हैं सीजनल फूड। अगर आपका बच्चा 7 महीने से ऊपर है तो वो इजीली ये स्नैक्स डाइजेस्ट कर सकता है। हम अपने साथ सीजनल फ्रूट जरूर रखते हैं जब भी हम कोई ट्रिप ले रहे होते हैं, क्योंकि ये आसानी से खराब भी नहीं होते और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। आप बनाना ले सकते हैं, आप पका हुआ चीकू ले सकते हैं, बच्चों को आम काफी पसंद होता है, आप किसी भी कटोरी में फोक से या चम्मच से आप उसे मैश कर दीजिए, बस बच्चा इजीली खा भी लेगा और उसकी पसंद की भी चीज मिल जाएगी। और अगर आप बच्चों को प्यूरी दे रहे हैं फ्रूट्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म खोलते हुए पानी में आपको छोटे छोटे फ्रूट्स के टुकड़े कट करके डाल देने हैं। जब ये नरम पड़ जाएंगे तो आप इसे फोक या चम्मच की सहायता से जब मैश कर देंगे तो ये प्यूरी के फॉर्म में हो जाएगी। आप आसानी से अपने ट्रिप के दौरान भी उन्हें प्यूरी दे सकते हैं, या फिर आप घर पे भी फूड ग्रेन पाउडर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो करूं तो मुझे जरूर बताइएगा। आप ड्राई फ्रूट पाउडर या फिर आप चावल दाल का मिक्सचर बना सकते हैं, जिससे आप रोड ट्रिप पे खिचड़ी तैयार कर सकते हैं। गर्म पानी में आपको इसे रखना है, बस आप अगर सॉल्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, अगर आप मीठा करना चाहते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए। बहुत झटपट और आसानी से तैयार हो जाने वाले ये बेबी फूड ऑप्शंस हैं। होटल्स में तो आपको रूम में एक इलेक्ट्रिक केटल मिलता ही है, आप उसे प्यूरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जब पानी बॉइल हो रहा है तो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छोटे छोटे पीस करके उसमें डाल दीजिए, जब वो सॉफ्टन हो जाए आप उसे स्पून की सहायता से मैश कर दीजिए, आपकी प्यूरी तैयार हो गई। आजकल काफी बिस्किट के ब्रांड्स आटा बिस्किट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपके पास सेरेलैक या ओट्स नहीं है तो आप आटा बिस्किट को अगर पानी में गला के रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो सेरेलैक जैसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। गाजर भी बच्चों को बेहद पसंद होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, होटल रूम में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है बस उसमें आपको स्किन छील के वेजिटेबल की छोटा छोटा पीस करके उसमें डाल दीजिए। खोलते हुए पानी में जब आप थोड़ी देर के लिए वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को डाल देंगे वैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएगा। आप उसे कटोरी में लेके चम्मच की सहायता से मैश कर दीजिए, आपकी वेजिटेबल प्यूरी, फ्रूट की प्यूरी तैयार है। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड लेना शुरू कर चुका है तो आप रास्ते में रोटियां रख सकते हैं उसके लिए, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, रोटी भी आसानी से खराब नहीं होती है। या फिर आप मूंग दाल या चावल का मिक्सचर भी ले सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, उसे बंद करके आप कैरी कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, हींग, जो भी आपको सूटेबल लगे वो डाल दीजिए। खोलते हुए गर्म पानी में आपको इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, हेल्दी खिचड़ी तैयार। खिचड़ी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ट्रैवल के दौरान बच्चे का इससे पेट भी अपसेट नहीं रहे, क्योंकि खिचड़ी कैन नेवर गो रॉन्ग। आप बच्चे को पपीता दे सकते हैं क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, पेट के लिए भी काफी अच्छा है। अगर रास्ते में मान लीजिए कोई दिक्कत भी होती है स्टमक की तो इससे वो क्लियर हो जाएगी। बच्चों को अंगूर भी काफी पसंद होते हैं तो आप ट्रेवल के दौरान उन्हें ग्रेप्स दे सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसका छिलका उतारने के बाद ही 12 महीने से नीचे के बच्चों को ग्रेप्स देना चाहिए, क्योंकि छिलका गले में अटकने की खतरा रहता है। 12 महीने से ऊपर के बच्चों के अधिकतर दांत आ चुके होते हैं, उन्होंने सॉलिड फूड लेना शुरू कर दिया होता है,
तो आप उन्हें चपाती के साथ कोई भी हल्की फुल्की वेजिटेबल दे सकते हैं, या फिर आप अपने साथ एनर्जी बार रखें जो आपने घर पे प्रिपेयर करी हो, इससे उनका पेट भी भरा रहेगा। आप ड्राई फ्रूट बार तैयार कर सकते हैं, ये इजीली घर पे बन भी जाएगी और ये काफी हेल्दी स्नैक रहता है, इससे बच्चों का पेट ट्रैवल के दौरान भरा रहेगा। अगर आपके बच्चे को कुछ मीठा खाना पसंद है तो आप मूंग दाल का हलवा भी बना के ले सकती हैं। 1 से 2 दिन तक ये एयरटाइट कंटेनर में रख के आप यूज कर सकती है, ये खराब नहीं होता। ट्रैवल के दौरान बच्चे की सारी नेसेसरी मेडिसिन अपने साथ रखिए और डॉक्टर का लास्ट प्रिस्क्रिप्शन भी आपके पास होना चाहिए, इन केस आपको जरूरत पड़े तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं जितना आपको बता सकी इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। अगर आप कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक या कोई सजेशन है वो शेयर करिएगा। सो दिस इज मी प्रियंका फ्रॉम मॉम एंड निकी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टेक केयर।